हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। मैं फिर से आपके लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं एक न्यू ब्रांड के बारे में बात करूँगी जिसके बारे में कभी भी मैंने अपने चैनल पे बात नहीं की है। वो है ये ब्रांड ट्रू फ्रॉक। ये कार्डबोर्ड बॉक्स में मुझे पैकेज मिला था, क्लोथ पाउच है ये, और ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इन्होंने सेंड किया है। ये दो ट्रू फ्रॉक के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं इन डेप्थ आपको रिव्यू दूंगी। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगी कैसे लगे मुझे ये प्रोडक्ट। इनकी आप पैकेजिंग देखिए, दोनों में ही यहाँ पे फ्रॉक बना हुआ है, सो क्यूट। और ये वाइट कलर की इनकी बहुत स्लीक पैकेजिंग है। पहले मैं बात करूंगी ये ट्रू फ्रॉक के क्लेंजिंग जेल के बारे में। ये आप देख सकते हैं ट्यूब में है, स्टिल इन्होंने पंप दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर जो ट्यूब होते हैं उसमें पंप नहीं मिलता है आपको, और प्रोडक्ट ज़्यादा ही निकल जाता है जैसे यहाँ से आप प्रेस करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट निकलेगा, आपका वेस्ट नहीं होगा। ये क्लेंजिंग जेल का कलर लाइट येलो है, थोड़ा सा थिक है ये जेल। 50 ग्राम क्वांटिटी है और प्राइस है 685 रुपीस। इनकी वेबसाइट पे आपको बहुत सारे ट्रू फ्रॉक के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि क्लेंजिंग जेल, क्योंकि क्लेंजिंग लोशन है, क्लेंजिंग जेल मुझे यूज़ करना था। इसको यूज़ करने का तरीका फेस वॉश की तरह ही है कि आपको अपने फेस को गीला करना है, उसके बाद इस क्लेंजिंग जेल को लेके फेस पे लगाना है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। क्लेंजिंग जेल के नीचे लिखा है कैरेट रूट एक्सट्रैक्ट एंड ग्रेप एक्सट्रैक्ट ऑल स्किन टाइप्स। पीछे यहाँ पे इन्होंने एक्सपायरी डेट, इन्ग्रीडियंट्स, डायरेक्शन फॉर यूज़। क्लेंजिंग जेल का मेन काम होता है मेकअप को रिमूव करना, तो मेकअप के बाद आप क्लेंजिंग जेल को लगाएं तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि मेकअप रिमूव हो जाएगा। ये क्लेंजिंग जेल आपके फेस से मेकअप, डर्ट, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है और फेस को हाइड्रेट बनाता है। मैं जेंटली मसाज कर रही हूँ, कैमरे पे दिख नहीं रहा होगा बट वाइट कलर का थोड़ा सा रेसिड्यू मेरे पूरे फेस पर है, फिर मैं उसे वॉश कर कर आती हूँ। इस क्लेंजिंग जेल से मुझे इतना हाइड्रेटिंग तो फील नहीं हो रहा है, मतलब अलग से आपको हाइड्रेटिंग फील नहीं होगा कि आपने कुछ मॉइस्चराइज़र ऐसा कुछ लगाया है, बट ये है कि फेस अच्छे से क्लीन ज़रूर हो गया है और मेकअप भी रिमूव हो गया है जो थोड़ा बहुत मैंने लगाया था। सेकेंड है ये ट्रू फ्रॉक का स्लीपिंग मास्क, सेरामाइड्स एंड हाइलोरोनिक एसिड। पैकेजिंग के स्टार्टिंग में ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। 50 ग्राम क्वांटिटी मिलती है फॉर 845 रुपीस। फ्रॉक यहाँ पे बोल रहा है गो ऑन ग्लो ऑन, तो बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी इनकी मुझे। यहाँ पे ये वुडन का आपको स्पैचुला मिलता है। ये स्लीपिंग मास्क की इनर पैकेजिंग है। फ्रेग्रेंस ऐसी कुछ है नहीं, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है। ये स्लीपिंग मास्क नॉन स्टिकी एंड इजिली एब्जॉर्ब हो रही है मेरी स्किन में। दिखने में ये लग रहा था कि थिक मॉइस्चराइजर है तो थोड़ी हैवी फील होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फेस पे बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रही है। इस स्लीपिंग मास्क को यूज़ करने से मुझे फर्स्ट जो एक बेनिफिट दिखाई दिया वो है मेरे फेस जो है बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो गया। तो आप थिक मॉइस्चराइजर की जगह इसे यूज़ कर सकते हैं स्लीपिंग मास्क। इसकी पैकेजिंग पे इन्होंने मेंशन किया है नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, बट गाइस ऐसी कोई थिक स्लीपिंग मास्क नहीं है ये, तो ऑयली स्किन वाले आई थिंक यूज़ कर सकते हैं इसको, बट एक्सेस ऑयली वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड बेनिफिट ये है कि इसे यूज़ करने से मेरी स्किन थोड़ी सी ब्राइटन अप हो गई है, एक ग्लो मिला है अच्छा सा फेस को। इसे आप रात में लगा के सो जाएं और जब सुबह उठें तो अच्छे से फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें। प्रोस तो मैंने आपको बता दिए, कौन मुझे एक ही लगा कि थोड़े से प्राइसी हैं, बट आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, तो ये स्लीपिंग मास्क मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वान्टिटी, तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी आप अपने फेस पे लगाएं उनका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए। सो ये ब्रांड तो मुझे पसंद आया। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पेज से, उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप चेकआउट कर लेना। और आई होप ये रिव्यू वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। I will see you in my next video. Thank you guys for watching. Bye.